झरना वो ऊपर तक यार, पूरा पहाड़ चट्टान को काट काट के पानी आ रहा है। सच में यहाँ पे नींबू का बहुत ज्यादा खुशबू आ रहा है। कौन सा पेड़ का पत्ती से आ रहा है, क्या स्मेल है यार। देखिए इस पेड़ ने पूरे चट्टान को पकड़ के रखा हुआ है, नहीं तो ये पेड़ भी गिर सकता है, वो चट्टान भी। जगह का देखिए सीन चेंज हो गया, पहले बीच के साइड अलग था, फिर वो गोल गोल पत्थर अलग था। तो देखिए, देख सकते हो ये है रंगत का ब्लैक सैंड बीच, वो है बुलेट और ये है। तो चलिए चलते हैं अंदर अभी। पहले से भीगा भीगा और भीग जाएंगे। तो चलिए अंदर चलते हैं। ये है पंचवटी इको टूरिज्म साइट, ठीक है, ये मेन गेट। और देखिए पंचवटी पंचवटी इको टूरिज्म साइट, ठीक है। तो चलिए अंदर चलते हैं। और यहाँ पर भी सही से रखा हुआ है यार, ये भी फॉरेस्ट के अंडर पर आता है। आप रेड और ग्रीन कलर आपको जहाँ दिखे ना, वो फॉरेस्ट के अंडर पे, ये टोटोटाइस आई थिंक टोटोटाइस के बनाए, तो यहाँ पे अंडा देना आता होगा शायद इसलिए, ठीक है। और वाओ सही है यार, देखते अभी उस आइलैंड तक जाके आएंगे, ठीक है, ट्राई। ओह तो उस साइड पर भी जा सकते हैं, इस साइड पर टॉयलेट है, बच्चों को खेलने की जगह, ये चिड़िया का घोंसला, ठीक है। अरे बाप रे क्या बुलेट है, फॉरेस्ट का बुलेट देखे, देख सकते हो भाई। पीछे से पत्ती उड़ाओ ना, पीछे से पत्ती उड़ाओ, रील्स बना ऐसा नहीं हो वो। अरे ऐसा नहीं, गाली तोड़ तोड़ के ऐसा घुमाना उसको। पेट्रोल तो नहीं है, टक्का तो तगड़ा है। तो देखिए देख सकते हैं, ये है फॉरेस्ट का बुलेट, ठीक है। चेंजिंग रूम वगैरह इधर है, वो सही है यार, अच्छा जगह, ये जगह भी वो है बुलेट और ये है घोड़ा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी। तुम ना चलाते हैं क्या? तो ये एंजॉय आप कर सकते हैं पंचवटी बीच पे। तो चलिए अंदर चलते हैं। और ये बीच भी वही मॉरिस डेरा के आगे पड़ता है, ठीक है, एक ही लाइन पे, एक दो किलोमीटर का फर्क है मॉरिस डेरा बीच से। तो ठीक है, ये है बीच, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बैठने के लिए बनाया गया है। और सही जगह यार, मैं तो यही बोलूँगा, जो लोग भी पोर्ट विलर या हैवलॉक घूम के जाते हैं उन्हें डिगलीपुर तक भी आना चाहिए, काफ़ी अच्छा जगह प्लेसेस है। अगर पूरा अंडमान जो घूम सके तो उनके लिए तो सही है भाई, बहुत काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर पत्थर वगैरह है, पोर्ट विलर में भी है इस तरह, लेकिन थोड़ा ज़्यादा ब्लैक लग रहा है, ठीक है। आगे पूजा दूजा उनके पापा साथ देखे झूल रहे तो यहाँ पर भी सही है यार। तो वहाँ का बीच सही लग रहा है, छोटा छोटा पत्थर से और ब्लैक सैंड वाला बीच लग रहा है, तो काफ़ी सही है यार, देखते वहाँ तक भी जाके आएंगे। तो वही जगह भी सही है, एंजॉय कर सकते हो, ठीक है, काफ़ी अच्छा लगा मुझे रंगत सच में। चलिए उस बीच तक जाके आते हैं। तो ये जगह भी बैठने के लिए है, ये जगह छाया है, उस जगह धूप है, तो
यहाँ पे स्विमिंग वगैरह कर सकती है, लेकिन हम करेंगे नहीं, नहा तो लिया। तो देखिए, देख सकते हो मैंने आपसे कहा था यहाँ छोटा 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 पत्थर का टुकड़ा है, देखिए देख सकते हो, ठीक है, इससे जो बीच जैसा लग रहा है, ठीक है, सैंड इससे ज़्यादा छोटा रहता है, ये पत्थर का टुकड़ा थोड़ा उससे ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। और यहाँ पर सही लग रहा है, ये ब्लैक सैंड वाला बीच लग रहा है, ठीक है, एकदम मस्त लग रहा है यार। और यहाँ पर भी बैठने के लिए हट वगैरह है, आई थिंक यहाँ पर स्विमिंग वगैरह किया जा सकता है, लेकिन पत्थर तो होगा यहाँ पर, ठीक है, ब्लैक सैंड वाला बीच सही है भाई। तो अभी मैं काफ़ी दूर आ चुका हूँ, तो आगे बढ़ रहा हूँ, बस ये बीच देखने आया हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी पानी थोड़ा सा उतना साफ नहीं लग रहा है, क्योंकि बारिश का मौसम भी है, और बढ़िया, ये जगह भी अच्छा लगा। वो पीछे साइड जो पत्थर का ज़्यादा टुकड़ा था वो अच्छा था, यहाँ बालू मिक्स है तो थोड़ा ज़्यादा गंदा टाइप लग रहा है, लेकिन रियल में ये गंदा है नहीं, ठीक है। तो चलिए वापस चलते हैं, ये बीच उस कोने तक है, उस कोने तक मैं जाके आते हैं तो थक जाऊँगा, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। ये देख सकते हो यहाँ में छोटे 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 क्रैप्स है, केकड़े, ठीक है, चल रहे हैं वो, ये खाद बन चुका है देखा जाए तो, ये पत्ती। बीच के साइड से इस साइड पर आया हूँ, ठीक है, जहाँ से मैं आता हूँ, और यहाँ का पत्थर देखिए, ये जगह अलग पत्थर है, उस जगह बीच में अलग है, यहाँ पे अलग कलर के है, गोल गोल ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है, मतलब गोल पत्थर यहाँ पर ज़्यादा, देखिए देख सकते हो। फिर इसके बाद ये पत्थर ख़त्म होने के बाद दूसरा काला पत्थर शुरू होगा, मतलब काला पत्थर जैसा बड़ा बड़ा समुद्री पत्थर, ठीक है। तो ये जगह भी सही है यार, अलग ही अलग देखने को यहाँ पर मिलता है आपको, रंगत पंचवटी बीच में है, ठीक है, सही है यार, ठीक है, सही है जगह भी। इसके बाद ये पत्थर खत्म होने के बाद देखिए काला पत्थर शुरू हो गया, जो समुद्री पत्थर होता है, आप देखो पत्थर चेंज होना शुरू हो गया। तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ इस काले पत्थर में, समुद्री पत्थर, ठीक है, ये जगह का देखिए सीन चेंज हो गया, पहले बीच के साइड अलग था, फिर वो गोल गोल पत्थर अलग था, और इस जगह पर अलग है, ठीक है, सही है। उस आइलैंड पर मुझे जाना था, शायद मैं जा नहीं पाऊँगा, पानी अभी भरा हुआ है, ठीक है, देखते हैं ट्राई मार के। तगड़ा स्पीड में चल रहे हैं, ठीक है, सराउंडिंग सिनेमैटिक शॉट, बढ़िया। अभी वहाँ जाना था, मैं बोल रहा था, तो बोल रहे हैं बाद में देखते, पहले जाके खाना वगैरह खाएंगे, नहीं तो बीमार है, ऐसी और बीमार हो जाएगा, और यार मेरा दिल कर रहा है। उस साइड से इस साइड पर आया हूँ, ठीक है, राइट साइड पे, अभी इससे पहले मैं लेफ्ट साइड पे गया था, तो सामने आइलैंड दिख रहा है, और जा नहीं सकता क्योंकि पानी इससे ज़्यादा भी उतरता है बोलते, तब थोड़ा कम रहेगा तब जा सकते हैं, अभी पानी ज़्यादा है, पत्थर वगैरह ज़्यादा है तो चोट वगैरह लग सकता है। अरे मेरा दिल तो वहीं पर है, एडवेंचर जाने के लफजोर का दिल वहीं पर रह जाएगा जब तक वो करे ना, ठीक है। तो यहाँ का पत्थर भी काफ़ी अलग है यार भाई, ये पत्थर इलाका सही है, वो वाला सामने जो छोटा सा आइलैंड है वो भी सही है यार, सही लग रहा है, मज़ा आ रहा है देखने में वो वाला। तो मैंने बोल दिया उनको वहाँ से मेरा सामान लेके आ जाए, तो चलिए उस आइलैंड तक जाके आते हैं, ठीक है, रिस्क तो है भाई आलम में। ये देखा जाए तो पूरा पत्थर इलाका है इस साइड, कुछ कुछ जगह छोटा सा वो सैंडी बालू है, मतलब सैंडी बालू बोले तो स्टोन सैंडी, हाँ स्टोन सैंडी है, ठीक है। और ये जगह भी सही लग रहा है यार, पत्थर के ऊपर एक बड़ा सा पेड़ है, सही है, ये वहाँ तक जाके आते हैं, और थोड़ा स्पीड में चलना होगा, वहाँ से जाने का रास्ता है उस जगह से। और देखिए यहाँ पर देख सकते हो, मतलब रुके, तो देखिए यहाँ पर देख सकते हो बड़ा सा चट्टान है, उसके ऊपर एक पेड़ है बड़ा सा, ऊपर से देखते हैं तेरे को जगह है, तो काफ़ी सही जगह लग रहा है यार, रंगत मुझे पसंद आया, क्योंकि मैं बचपन से आने के लिए हमें तरसता था, मौका नहीं मिला, आज मौका मिला तो सही लग रहा है।
तो वहाँ पर जा तो सकते हैं, लेकिन चट्टान धंसने का भी हो सकता है, ठीक है, वो देखते हैं। चट्टान धंस भी सकता है, पेड़ ने पकड़ के रखा है, देखिए देख सकते हो यहाँ पर पेड़ पकड़ के रखे पूरे चट्टान को, नहीं तो चट्टान या पेड़ धंस चुका होता। रुको देखते हैं ऊपर, सांप वगैरह भी यहाँ पर हो सकते हैं, वो स्लिप भी हो रहा है यार। तो मैं पेड़ तक पहुंच चुका हूँ और काफी चीटी है यहाँ पर, हाँ तो देख सकते हो। तो मैं काफी ऊपर खड़ा हूँ, देखिए इस पेड़ ने पूरे चट्टान को पकड़ के रखा हुआ है, नहीं तो एक पेड़ भी गिर सकता है वो चट्टान भी। तो नीचे चलते हैं। स्लिप भी हो रहा है और मैं चप्पल भी सही नहीं है, लास्ट 700 रुपये चप्पल या इतना खास भी नहीं है। और यहाँ पे ना लेमन लेमन का पूरा स्मेल आ रहा है यार। अब नीचे साइड चलते हैं, ठीक है, सच में यहाँ पे नींबू का बहुत ज़्यादा खुशबू आ रहा है, कौन सा पेड़ का पत्ती से आ रहा है, क्या स्मेल है यार, मज़ा आ गया यहाँ के। हाँ सच में नेचुरल है ये, मैंने सेंट भी नहीं लगाया लेमन वाला, ठीक है, और बहुत बढ़िया स्मेल आ रहा था। और यहाँ पर देखिए यहाँ से भी जा सकते हो आप लोग, वहाँ पर जाना है, दोस्त लोग आ गए हैं वैसे। यहाँ पर भी पत्थर काफ़ी अलग अलग है तो काफ़ी कलर के हैं यहाँ पर यार, इस रेस्टोरेंट मैंने पूरा अंडमान में और कहीं नहीं देखा है, फिलहाल फर्स्ट टाइम में आया हूँ तो यहाँ देख रहा हूँ, ठीक है। और आगे बढ़ रहा हूँ मैं, आइलैंड तक तो जाके आना ही है, आइलैंड भी नहीं अलग से इसी में अटैच है। चलो वहां तक देखते हैं कैसे जाएंगे हम। वाह क्या जगह यार, यहाँ से जा सकते हैं, तो चलिए जाके जल्दी जाके आते हैं। समझ नहीं आ रहा कहाँ से जाए, बच गया। ओ तेरे, उतरने का पता नहीं, चढ़ने का तो मैं चढ़ सकता हूँ, थोड़ा हार्ड है यार, थोड़े नहीं बहुत ज़्यादा हार्ड है। और नीचे देखिए सामने देख जगह सही लग रहा है यार, यहाँ से चढ़ सकते हैं लेकिन मैं अकेला हूँ, रिस्क लेना नहीं चाहता। दूसरी साइड से देखते हैं, चढ़ जाऊँगा अकेला, बस अकेला टेंशन है, बाकी सब बाहर वेट कर रहे हैं और टाइम भी नहीं है। ये पेड़ अलग से है, मैंने सोचा कि साथ में ही है, तो अरे हम सोचे इस साइड से चढ़ने का होगा लेकिन नहीं है, तो इस साल में जाके आते हैं। आता आता ओ उसमें भी नहीं चढ़ सकते यार, और काफी सही है, ओ वो वाला पत्थर सही है यार, ओ सही था यार। तो चलिए वापस चलते हैं, बाद में मौका मिला तो, अब बाहर निकलने का रास्ता कहाँ है नहीं पता।
बाहर निकल गया रास्ता, रनिंग ब्लॉक तो होता ही है, मिल गया। चलिए यहाँ से टाटा बाय बाय करते, ये साइड मिल चुका है मुझे। आता आता ये जंगल, घना जंगल से भाग रहा हूँ मैं, डर का मारे नहीं, जल्दी में यहाँ पर खड़े। हाँ तक यार, दौड़ दौड़ बदन में ताकत नहीं बचा, कमजोरी लग गई है पूरा ये ब्लॉक चक्कर में। यहाँ पर है मेरा ओमनी महाकाल। तो बीच रास्ते में फिर रुक गए। हाँ तो ज़्यादा समय मैंने ये झरना देखा था तो हम क्रॉस हो गए थे। अच्छे तरीके से दिखा तो देखिए, देख सकते हो यार, सही है, ऊपर से आ रहा है। हाँ इस तरह का झरना मैंने कभी देखा नहीं है और काफ़ी मस्त लगा यार, देखिए ऊपर तक। हाँ और वैसे दौड़ दौड़ के मुझे प्यास लग गया है तो पानी यहीं से पीते हैं, ठीक है, झरना से। या एक्चुअली बहुत स्लिप हो रहा है यार, हम सोचा नहीं था। हाँ तो देखिए, देख सकते हो झरना वो ऊपर तक यार, पूरा पहाड़ चट्टान को काट काट के पानी आ रहा है, सही लगा यार अभी। और देखिए, देख सकते हो मैं अभी पानी पीऊँगा, बहुत प्यास लगा यार। अरे यार पीने के लिए स्लिप हो गया यार, पानी उतरना ही पड़ा। लेकिन रंगत के पानी का टेस्ट सच में अलग है, थोड़ा सा एकदम प्योर नहीं लगता, पानी साफ है लेकिन एकदम प्योर नहीं लगता, टेस्ट अलग है। यहाँ से ऊपर तक है, अभी टाइम नहीं है इसलिए वापस जाना है। चलो वापस चलते, मज़ा आ गया, सही है। हाँ तो चलिए टाटा बोल देते इस जगह को। यहाँ पर सांप पूरा यार, ज़्यादा समय में बहुत सारा सांप था, मैंने देखा नहीं, मैं वीडियो बना रहा था, अभी भी एक पार हुआ भाई। यहाँ में भी पूरा लेमन ग्रास है लगता है यहाँ पर, लेकिन दिक्कत तो है नहीं, पूरा स्मेल आ रहा है। तो मैं सोच रहा था ये क्या का स्मेल है, तब मुझे लगा कि ये ग्रास का स्मेल नहीं है, ये लेमन ग्रास, ये ना सांप का स्मेल था। जो इससे पहले जगह आ रहा था तो कितना सांप था होगा, अब सोच सके सांप नहीं मिला, पूरा लेमन ग्रास का खुशबू आ रहा था यार, और उस चट्टान पर भी आ रहा था, मुझे याद है। तो हम पहुंच गए घर, अब खाना वाना खाएंगे, आराम करेंगे। तो इस पार्ट को यहाँ पर हम समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। ये था रंगा ट्रिप, हाँ मज़ा आ गया यार, आज मज़ा आ गया सच में। हाँ सांप नहीं आने से ज़्यादा मज़ा आता था, लेकिन सांप आने के बाद भाई एडवेंचरस वाला वीडियो बन गया, ठीक है। वो सांप वाला क्लिप थोड़ा क्लियर नहीं आ रहेगा, वो रिफ्लेक्टर होता था पता नहीं चला, वो कवर में था, ठीक है। चलो चलिए टाटा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बाय। पहुँचिए घर।